में पुलिस ने नामजद मुलजिमों के दबिश दी थी, लेकिन अब पुलिस साथ में थी। हम तो मुलजिमों के घर भी नहीं जानते हैं, और जहाँ तक बात घर में घुसने की है, घर में भरतपुर पुलिस के नगीना पुलिस भी घर में नहीं गई थी। कामा मेवा क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड के मामले में अब राजस्थान पुलिस के विरुद्ध भी हरियाणा के नूह जिले के नगीना थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको ये सनसनी न्यूज बता रहे हैं कि राजस्थान पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा में दबिश दी गई थी, जहां दबिश के दौरान श्रीकांत के घर पर तोड़फोड़ और उसकी पत्नी का गर्भपात के मामले में अब हरियाणा के नूह जिले के नगीना थाने में मामला 30-40 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजस्थान पुलिस के कुछ वर्दी और सादा वर्दी में पुलिस कर्मी श्रीकांत के घर प्रातः पहुंचे और घर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की गई, साथ ही उसकी पत्नी में धक्का मार दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया, जिसे लेकर काफी गहमा गहमी के बाद हरियाणा में राजस्थान पुलिस के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद अब राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस आमने सामने हो गई हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसे लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं राजस्थान पुलिस के जो दबिश के दौरान आरोप लगे हैं, उन सभी आरोपों का भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने खंडन किया है कि राजस्थान पुलिस आरोपी के घर के अंदर घुसी ही नहीं तो मारपीट करने और गर्भपात जैसे आरोप निराधार हैं, जिसे लेकर राजस्थान में लोगों में काफी चर्चा है कि राजस्थान पुलिस पर नाजायज ही दबाव बनाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया गया है। जबकि हरियाणा पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस तरीके का मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही आरोपों का पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत के घर पर दबिश देने के जो आरोप लगे हैं, उनका खंडन भरतपुर पुलिस अधीक्षक एवं राजस्थान के डीजी ने भी किया है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर अवगत कराया है कि डीजी के अनुसार राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत के घर में प्रवेश ही नहीं किया तो मारपीट करने और तोड़फोड़ करने जैसी बात कहां से आ गई, जिसे लेकर अब राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस आमने सामने हैं। राजस्थान पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की हरियाणा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस लगातार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा में सर्च ऑपरेशन चलाकर दबिश दे रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में पुलिस शीघ्र खुलासा करने को लेकर तत्पर है, लेकिन अब हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की जो दूरियां बन रही हैं, उसे लेकर मामले में कहीं न कहीं उलझन सामने आ रही है। कल मोनू मानेश्वर के समर्थन में ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था और महापंचायत का आयोजन भी किया था। पुलिस ने नामजद मुलजिमों के दबिश दी थी, लेकिन अब पुलिस साथ में थी। हम तो मुलजिमों के घर भी नहीं जानते हैं, और जहाँ तक बात घर में घुसने की है, घर में भरतपुर पुलिस के नगीना पुलिस भी घर में नहीं गई थी। मुलजिम घर पर था नहीं, और उनके दो भाई बाहर मिले थे, उनसे ज़रूर पूछताछ के लिए आए थे और उनको पूछताछ करके फ्री भी कर दिया। उनके औरतों के जहाँ तक मामला, पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुलजिम है इसी दबाव में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो नगीना पुलिस अंदर गई थी, न भरतपुर पुलिस गई थी।